हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई क्या हो रहा है, हम जैसे मीम पेज खौफ में जी रहे हैं यार। मतलब कुछ भी, मैं खुद डर गया और मैं खुद सोच रहा हूँ कि भाई मेरा क्या होगा आगे, मैं तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये इंस्टाग्राम ही हटा रहा है, इसके पीछे शायद एक रीजन ये हो सकता है कि मास रिपोर्ट हो रहा है इन सभी पेजेस के ऊपर, क्योंकि कंटेंट हर जगह कॉपी और पेस्ट ही हो रहा है। तो ऐसा अगर है तो फिर सारे के सारे अकाउंट ही एकदम से हट जाने चाहिए ना। अब हो सकता है कि आप मेरा पेज देख रहे हो कैमरा बॉयज, आज सारी की सारी मीम्स देख रहे हो और अगले दिन देखा पेज तो है ही नहीं। भाई बहुत सोचना पड़ता है एक मीम को बनाने में, एक मीम को बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ये कब समझेंगे सब। मुझे समझ नहीं आता कि लोग रिपोर्ट क्यों कर देते हैं ऐसे कंटेंट को। सबके सब हंसते भी, एंटरटेन भी होते हैं, लॉजिक भी देखते हैं, ह्यूमर भी होता है इन सब चीज़ों में, सबको एंटरटेनमेंट पसंद है, लेकिन तब भी रिपोर्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहा है और अगले दिन आपको मेल आ रही है यू आर डेड ब्रो, मेरे अकाउंट में 1000 फॉलोअर्स हैं कुछ। अगर वो अकाउंट बंद हो गया ना, लिटरली मेरी जिंदगी ना ऐसे चेंज हो जाएगी। एक वार्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइक कि यूट्यूब में एक स्ट्राइक सिस्टम है, अगर 3 स्ट्राइक हो गई तब भी उसके बाद वो थोड़ा सा टाइम देते हैं कि हाँ आप अपने आप को बचा सकते हो, कुछ भी कर लो, कैसे भी अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम में आपको पता ही नहीं लगता कि आपका चैनल उड़ गया, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बस आप खोलोगे आपको पता लगेगा आपके एल लग गए हैं। अब एक चीज़ तो मैंने ऐसी देखी कि एक मीम पेज जिसका नाम है गॉड्स ब्लीच, उसने अपना बायो चेंज कर दिया और उसमें लिख रखा इंस्टाग्राम आई लव योर ऐप। यार हम ही मीम पेजेस हैं जो कि आपको अवेयर करता है कुछ चीज़ों से। मीम पेजेस एक फरिश्ते की तरह हैं सोसाइटी में, ये सबको हंसाने में ना अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, इनकी कोई बात नहीं करता लेकिन इनका काम सब देखते हैं, बस एक ही मकसद के साथ बढ़ते हैं, वो भी मीम्स। अब मैं पोइट तो नहीं हूँ, बस लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगा कि अगर मीम्स नहीं होगी ना तो इंटरनेट पर आप क्या शेयर करोगे, क्या देखोगे टट्टी। अब मैं एक स्टेटमेंट के साथ बोल रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट को प्राइवेट कर रहा हूँ 1 वीक तक और अपने अकाउंट में कोई भी मीम पोस्ट नहीं करूँगा। और सभी क्रिएटर से एक रिक्वेस्ट है, मिलके काम करते हैं, एटलीस्ट सबको पता तो चले कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।